गैस अभी ऑलमोस्ट सभी के घर में एलपीजी गैस है, बट इसे कितना घटिया तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इस्तेमाल करने पर एलपीजी गैस के पाइप में आग लगने के हाई चांसेस रहता है। वैसे ये तो ज्यादा खतरनाक नहीं होता गैस, इसे बुझाना काफी सिंपल है। जब भी इस तरह की मिस्टेक से आग लगे तो आपको जाना है और आराम से गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को बंद कर देना है। बट जब गैस सिलेंडर आपके कंट्रोल से बाहर हो तो क्या करना है? तो उस सिचुएशन में आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ओनली ऑक्सीजन के कनेक्शन को कट करना है। तो गैस मान लेते हैं कि हमारे इस गैस सिलेंडर में आग लग जाती है। तो हमारे गैस सिलेंडर में आग लग चुकी है, अब आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस फिंगर को यहाँ पर लेके आ जाना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस गैस सिलेंडर का फायर बुझ चुका है कितनी आसानी से। आपको इसमें थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। और तब क्या करोगे जब रेगुलेटर से लेकर पूरा पाइप आउट ऑफ कंट्रोल हो? तो गाइस इस सिचुएशन में भी आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ओनली ऑक्सीजन के कनेक्शन को कट करना है बिना इनमें से किसी को टच करके ही, मतलब आपको ऑक्सीजन के कनेक्शन को कट करना है। तो सिलेंडर में आग लग चुकी है, अब मान लेते हैं कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। तो गाइस ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि सिलेंडर के पाइप के जिस हिस्से में आग लगी हुई नहीं है उसी हिस्से को बैंड करना है कुछ इस तरह से। ओह, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आग बुझ चुकी है, तो आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गैस इस तरह की आग बुझाना तो लगभग इजी ही है, लेकिन जब गैस सिलेंडर के सील में ही आग लग जाए तो क्या करना है? और उस समय आपके पास ना ही तौलिया हो और ना ही कोई फायर एक्सटिंग्यूशर और ना ही कुछ हो, तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर इतनी आसानी से ब्लास्ट नहीं होता है। बस आपको एक प्लास्टिक की बाल्टी लेना है और ऑक्सीजन के कनेक्शन को कट करने के लिए इसे कुछ इस तरह से हिट करना है। मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो गैस इसे ट्राई करने के लिए मैंने रेगुलेटर में आग लगा दिया है, न कि सील में, क्योंकि ऐसा करना तो बेवकूफ़ी ही होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा गैस सिलेंडर है वो बर्बाद हो जाएगा। सो 3, 2 and 1। ओ माय गॉड, जैसा कि आपने देखा कि ये इजीली बुझ जाता है। और आप जब गैस यूज करते हो तो गैस स्टोव को सिलेंडर से ऊपर होना चाहिए, न कि नीचे, क्योंकि गैस स्टोव ऊपर होने पर लीकेज होने का चांसेस कम होता है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर इतनी आसानी से ब्लास्ट नहीं होता है। गैस सिलेंडर ब्लास्ट तभी होता है जब वो चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है, जिससे कि उसके अंदर की गैस फैलने लगती है और भी ज्यादा हीट करने पर यह इतना फैलती है कि सिलेंडर को ही उड़ा देती है। और इस तरह की आग लगकर तो सिलेंडर डायरेक्टली ब्लास्ट नहीं होते, बट इनडायरेक्टली ब्लास्ट हो सकता है। मतलब इसके आग से आसपास की चीजें जल जाएगी और वो चीजें जलकर इसे बहुत ही ज्यादा गर्म कर देगा, तो ये ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए सिलेंडर की आग को सही तरीके से रोकना जरूरी है और साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मिट्टी और कीचड़ से भरी बाल्टियाँ रखी है। क्यों रखी है वो आप जान जाओगे, इतना बुद्धिमान जो हो। तो आप जिस भी रूम में गैस यूज करते हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसकी खिड़की खुली हो, लेकिन खिड़की की हवा सीधे ही गैस सिलेंडर को नहीं लगना चाहिए। और गैस स्टोव को तो सिलेंडर से ऊपर होना ही चाहिए, और कभी भी गैस सिलेंडर को लिटा कर यूज ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही महंगी गलती हो सकती है। इसलिए सिलेंडर को खड़ा करके यूज करें। और अगर आपको सिलेंडर ब्लास्ट जैसी बुरी घटनाओं से बचना है तो आपको अपने सिलेंडर के आसपास किसी फ्लेमेबल चीज को नहीं रखना है, नहीं तो वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली जरूर ब्लास्ट हो जाएगा। और जब सिलेंडर में आग लगे और आपके पास कुछ भी नहीं हो, इवन पानी बाल्टी या कुछ भी नहीं हो, तब आपके पास एक कपड़ा तो जरूर होगा, और वो कपड़ा थोड़ा भारी है तो और भी अच्छा है। और आपको उस कपड़ा को लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है और इसे कुछ इस तरह से हिट करना है, जहां से आग निकल रही हो वहां पर आपको इस तरह से हिट करना है। मैं आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो यहां पर सिलेंडर में आग लग चुकी है, अब हम इस तौलिया को लेंगे और देखो, ओहो, आप देख सकते हैं कि यह बुझ चुकी है और यह इजी भी है। बस आपको आग के लैपटॉप पर हीट नहीं करना है, वहां हीट करना है जहां से आग निकल रही हो। यह इतना इजी है कि इसे कोई भी ट्राई कर सकता है। तौलिया को मतलब जहां से आग निकल रही है वहां पर हीट करो, जोर से, बहुत जोर से, जोर से, जोर से। गाइस अब मैं आपको बताऊंगा दो बेस्ट तरीका सिलेंडर की आग को बुझाने का, जिससे कि मैक्सिमम केसेस में आग बुझ ही जाती है। तो इसके लिए आपको एक सूती कपड़ा लेना है या फिर तवेल और पानी, और इसे सही तरीका से करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आग लग चुकी है, अब हम इस सूती कपड़ा को लेंगे और इसे अच्छा से भिगा देंगे।
और इसे भिगाने के बाद इस तरह से लपेट देंगे। और लपेटने से पहले आपको अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है और आपको अपने हाथों को इस तरह से कपड़ा के अंदर रखना है, बाहर रखोगे तो आग की लपटें भी लग सकती है। सो सेफ्टी फर्स्ट। और आप देख सकते हैं कि आग बुझ चुकी है। अब ये जो तरीका है इसमें हाई चांसेस है कि आग बुझ ही जाएगी। और गाइस आपको पता होगा कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करते समय सिलेंडर के पास दो बाल्टियां रखी थी। ऑफ कोर्स गाइस ये एक इफेक्टिव तरीका है सिलेंडर की आग को बुझाने का, जिसमें कीचड़ को जोर से हिट किया जाता है जहां आग लगी हो। मान लो अगर रेगुलेटर में आग लगी है तो आपको रेगुलेटर को कीचड़ से पूरा भर देना है और आग बुझ ही जाएगी, लेकिन आपको कभी भी पानी डालने की गलती नहीं करना है। अगर गाइस हम इसे पानी डालकर बुझाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बुझेगी। देखो मतलब गाइस ये जो है नहीं बुझेगी। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जस्ट ये पता करने के लिए कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट कब होती है, जिसमें मुझे बहुत ही अजीब रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि इसमें एक सिलेंडर तो ब्लास्ट हुआ था बट दूसरा सिलेंडर नहीं। और इसका रीजन ये है कि जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था इसका कवर बराबर सॉलिड था बट सेकेंड सिलेंडर एक जगह से वीक था जहां से वो फुस हो गया। तो गाइस आई होप कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कर देना। सो फिर मुलाकात होगी इन क्रेजी एक्सपेरिमेंट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।